नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। कर्नाटक में तमाम सियासी दांवपेच के बावजूद विश्वास मत पर वोटिंग से पहले इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में येदियुरप्पा ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा, शायद पहली बार किसी पीएम ने सीएम कैंडिडेट तय किया। भाषण के तुरंत बाद येदियुरप्पा राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने राजभवन चले गए। गौरतलब है कि 15 मई को काउंटिंग और रिजल्ट के बाद से ही कर्नाटक की सियासत ने देश का माहौल गर्मा दिया था। येदियुरप्पा के इस्तीफे देने के बाद अब कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन के लिए रास्ता साफ हो गया है। कर्नाटक का यह हाई प्रोफाइल मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। राज्यपाल ने जब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, कांग्रेस जेडीएस शपथ ग्रहण रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन बहुमत साबित करने के लिए 14 दिनों की मोहलत को घटाकर एक दिन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।